रतलाम जिले के सैलाना से विधानसभा चुनाव जीतने वाले भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र विधायक कमलेश डोडियार ने अनोखा कारनामा किया है, जिसके बाद उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। नव निर्वाचित विधायक कमलेश डोडियार हाल ही में विधानसभा से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 350 किलोमीटर बाइक चलाकर भोपाल पहुंचे। कमलेश ने अपनी बाइक पर MLA लिखवाया और अपने एक सहयोगी के साथ सफर पर निकल गए। करीब 5 घंटे में कमलेश ने बाइक से 350 किलोमीटर की दूरी तय की। कमलेश पहली बार विधानसभा कार से पहुंचना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने एक दोस्त से कार मांगी थी, लेकिन किसी कारण उन्हें कार नहीं मिल सकी। मेरे पास नहीं है ना फैसिलिटी, मेरे पास नहीं है कार, नहीं मेरे पास, मेरे दोस्तों के पास में थी 4-व्हीलर, अब वो समय पर अवेलेबल नहीं हो सकी, तो समय क्या महत्व को देखते हुए मैं बाइक से निकला। इतनी ठंड में 350 किलोमीटर का सफर काफी कष्टदायक होता है, कैसा रहा आप? मेरी तो आदत पड़ी हुई है संघर्ष ये सब चीजें करने की। मैं गांव में रोज रहता हूँ, रोज घूमता, रोज बाइक पे रहता हूँ, इसलिए भोपाल भी आ गया, मैं क्या इशू, कोई दिक्कत नहीं। कमलेश डोडियार बेहद साधारण परिवेश से आती हैं। उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, वहीं वे खुद खेती किसानी और वकालत कर अपनी आजीविका चलाती हैं। उनके पास रहने के लिए पक्का घर तक नहीं है, वे झोपड़ी में रहते हैं। कमलेश ने कांग्रेस के दिग्गज नेता को करीब 5,000 वोटों से हराया है। कमलेश डोडियार मध्य प्रदेश के सबसे गरीब विधायक हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे, उन्होंने 12 लाख रुपए का कर्ज लिया। वे मंत्री बनकर अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं।